1 plus 2 plus 3 plus 4 till infinite is minus 1 by 12. क्यों? कैसे? So firstly हम ये मान लेंगे कि let us assume that all the three infinite series are convergent. ये हम पहले assume कर लेंगे. Hello maths lovers. तो मैं आखिरी में यही बोलना चाहूँगा कि हमने पहले assume किया था कि let the three infinite series be convergent. पर असलियत में ये तीनों series convergent नहीं है, ये divergent है. So आपको ये जानना है कि इसको असलियत में solve कैसे करते हैं. So हमारे next video का आप जरूर इंतजार करिए. एक मिनट, हमने जो पिछले वीडियो में प्रूफ किया था 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 till infinity is minus 1 by 12 वो फॉल्स प्रूफ है, तो उसका रियल प्रूफ क्या है? सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल EduEntainment. सो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे रियल प्रूफ पर हम पहले दो सीरीज की 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 till infinity जिसका आंसर हम 1 by 2 है और दूसरा सीरीज 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 till infinity इसका आंसर 1 by 4 है. पहले ये दो सीरीज का हम जानेंगे रियल प्रूफ क्या है. उसके लिए हमको क्या पहले जानना होगा कि क्या व्हाट इज कन्वर्जेंट सीरीज एंड व्हाट इज डाइवर्जेंट सीरीज. सो आज हम इस वीडियो में कन्वर्जेंट सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज क्या है और ये दो जो डाइवर्जेंट सीरीज है फर्स्ट टू 1 minus 1 वाला और 1 minus 2 plus 3 वाला उसका आंसर कैसे 1 by 2 और 1 by 4 आता है. सो फ्रेंड्स ये वीडियो पूरा जरूर देखें और मैं श्योरली कह सकता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने को मिलेगा, आज कुछ आप नया सीखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फ्रेंड्स हम पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज. सो कन्वर्जेंट सीरीज की डेफिनेशन क्या है? एन इनफाइनाइट सीरीज दैट कन्वर्ज टू अ फाइनाइट वैल्यू इज नोन एज कन्वर्जेंट सीरीज. इसका एग्जांपल है वो है 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 plus 1 by 32 till infinity. और ये जो पर्टिकुलर सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज ये कन्वर्ज होती है वैल्यू 1 पे, तो ऐसी सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज बोलेंगे. सो फ्रेंड्स डाइवर्जेंट सीरीज क्या है? एन इनफाइनाइट सीरीज दैट डजंट कन्वर्ज टू अ फाइनाइट वैल्यू. ऐसी सीरीज के जो एक फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज ना होती हो, जो हमने रामानुजन समेशन पार्ट 1 किया था उसमें जो तीनों तीन सीरीज थी वो सारी की सारी डाइवर्जेंट सीरीज थी, वो किसी भी एक फाइनाइट वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं होती है. और स्टूडेंट्स मजे की बात यह है कि आज हम जो सीखेंगे वो यही सीखेंगे कि एक डाइवर्जेंट सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं और इसको बोलते हैं सुपर समिंग. सो फ्रेंड्स पहले सीरीज पे आते हैं 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 टिल इन्फिनिटी. अब हम क्या करेंगे कि इसका पार्शियल सम लेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म उसका सम तो 1 है तो 1 का सम 1 ही होता है, फिर 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है, फिर 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या होता है 0 प्लस 1 मतलब 1 होगा, मतलब 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा फिर से 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1 और होगा तो 1 हो जाएगा. सो ऐसी हमारी दूसरी सीक्वेंस बन रही है पहले सीक्वेंस में से, इसको बोलते हैं हम पार्शियल सम्स और इनफाइनाइट सम भी बोलते हैं इसको. तो 1 0 1 0 1 0 1 0 करके ये पूरी सीरीज बन रही है टिल इन्फिनिटी तक. अब हम क्या करेंगे कि सुपर सम, उसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो सेकेंड हमारा समेशन बना है, सेकेंड सीरीज सीक्वेंस बनी है, उसका हम एवरेज लेंगे. और आपको पता है कि 1 0 1 0 1 0 1 0 चल रहा है उसका एवरेज क्या होगा, 1 और 0 का एवरेज 1 by 2 ही होगा. सो हम बोल सकते हैं कि दिस कन्वर्जेस टू 1 by 2 therefore 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 till infinity इसका आंसर होगा 1 by 2, इसका सुपर सम होगा 1 by 2. सो फ्रेंड्स सेकंड सीरीज पे आते हैं. सेकंड सीरीज क्या है कि 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 plus 7 minus 8 till infinity. तो हम ऐसे ही इसका पहले पार्शियल सम्स इनफाइनाइट सम करते हैं, 1 का सम 1 ही होगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, 1 माइनस 2 प्लस 3 2 होगा, फिर 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 2 होगा, फिर 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 क्या होगा 3 होगा, फिर माइनस 6 माइनस 3 होगा, फिर प्लस 7 4 होगा, फिर माइनस 8 माइनस 4 होगा, प्लस 9 5 होगा. ये ऐसा चलता रहेगा. अब हम इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं तो ये किसी एक वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है, तो हम इसका एवरेज लेंगे. 1 का एवरेज 1 ही होगा, 1 माइनस 1 उसकी वैल्यू 0 और दो टर्म मतलब 0 बाई 2 मतलब 1 और माइनस 1 का एवरेज 0, फिर 1 माइनस 1 और 2 इसका एवरेज क्या होगा 2 बाई 3 क्योंकि 0 प्लस 2 2 होगा और 3 टर्म्स है मतलब 2 बाई 3, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 उसका एवरेज 0 होगा, फिर 3 ऐड होगा तो उसका एवरेज 3 बाई 5 हो जाएगा,
फिर माइनस थ्री एड होगा, तो सारे काम मीन लेंगे जब, तो हमारा एवरेज हो जाएगा जीरो, फिर 4/7, फिर 0, फिर 5/9, ऐसे चलता रहेगा। इसमें भी हम ध्यान से देख रहे हैं तो ये जो हमारा सीक्वेंस जनरेट हो रहा है एवरेज लेने के बाद, ये भी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है, तो हम फिर से इसका एवरेज लेंगे। ये जो हमारा सेकेंड सीक्वेंस सीरीज बना, तो 1 का एवरेज तो 1 ही होता है, फिर 1 और 0 का एवरेज 1/2, 1 0 2/3 का एवरेज 5/9, 1 0 2/3 0 का एवरेज 5/12, फिर 1 0 2/3 0 3/5 उसका एवरेज 34/75, फिर 1 0 2/3 0 3/5 0 4/7, ऐसे चलता रहेगा, हमारा एवरेज बढ़ते रहेंगे, 34/90 बनेगा, फिर 298/735 बनेगा, फिर 298/840, और हम जब तक ये सीक्वेंस इन्फिनाइट तक जाता ही रहेगा, और हम और मैं 20-25 तक ऐसे में एवरेज निकालता रहूँ, तो इस ये जो सीक्वेंस बनेगा, ये थर्ड सीक्वेंस, वो 1/4 पे कन्वर्ज होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1/4। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 टिल इन्फिनिटी, और इसकी सुपर सम है, इसका जो सुपर सम है वो है 1/4। सो एक और एक प्रूफ है, और ये हम रियल प्रूफ बोल सकते हैं, इस ये जो हमारे डाइवर्जेंट सीरीज है उसको असलियत में ऐसा हम दिखा सकते हैं। पहले वीडियो में क्यों फॉल्स प्रूफ था, क्योंकि हमने डाइवर्जेंट सीरीज को कन्वर्जेंट सीरीज मान लिया था, पहले वीडियो में हमने डाइवर्जेंट सीरीज को कन्वर्जेंट सीरीज मान लिया था, पर हमें इस वीडियो में क्या जाना है कि डाइवर्जेंट सीरीज को कैसे सॉल्व करना है, उसका अपने पार्शियल सम करो, इनफाइनाइट सम करो, और फिर उसका एवरेज लेते जाओ लेते जाओ, जब तक वो किसी एक वैल्यू पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही हम रामानुजन समेशन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 पर ट्राई करेंगे, तो वो कन्वर्ज होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक्सप्लोर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी में। सो अब उसका प्रूफ करना है, उसका प्रूफ हमारा रामानुजन समेशन प्रूफ रह गया, तो वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।